नमस्ते सब भाई बहन लोग के भोजपुरी चैनल में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा कार्यक्रम तोहर अपन है अभ्यास योग। अभ्यास योग में होवेला का ई प्रोग्राम में आप लोग के हर प्रकार के जानकारी दे ला जा और एगो सार्थक जीवन के निर्वाह करे खातिर तरीका बताइला जा। अभ्यास योग कार्यक्रम में योग के माध्यम से एगो स्वस्थ जीवन के निर्माण ई प्रोग्राम के जरिए आपके पत्र मिलेला, प्रश्न मिलेला, सवाल मिलेला, एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम के पता है अभ्यास योग MBC मौका बड़ी आसान और ई प्रोग्राम के प्रसारण के बाद यूट्यूब में तुरंते ई प्रोग्राम भी आवेला जेके सगभग घर बैठल देख कर ई सब आसन आजमा कर अपन जीवन के सार्थक बनाई। भाई बहन लोग जीवन में जो हमनी के पुस्तक है जीवन जो है एगो पुस्तक है ओकर हर पढ़ना में एगो प्रश्न एगो सवाल रहेला और हैजा पर हमनी के प्रोग्राम में प्रश्न के जवाब दे खातिर अरुण जी अवन चला उनकर से मुलाकात करी जा। और अरुण जी ढेर कोई प्रश्न पूछ ले बा कि अरुण जी कहाँ से आल बा जी। मॉरिशस वासी अवन ओकर भोजपुरी का ही हमनी से अलग बा तो तू कहाँ से हुआ हम जानते हैं बिहार के कोनो इलाका से हुआ जी। जी आप सही कहनी है हमार पूर्वज भी वही जैसे बड़न जहान की आप हमनी के पूर्वज लोग आ रहलन जा रहला। अच्छा थोड़ा बहुत तोहर परिचय कार्यक्रम में। हमार नाम अरुण है। हम अभ्यास से जुड़नी है 2020 में नामदेव जी के माध्यम से। नामदेव जी के मेंटरशिप में हमनी के अभ्यास के आगे बढ़ावत नीचा और मॉरिशस में मनीष डोमा जी हमनी के भाई अभ्यास के लैला हाँ 2021 के टाइम पे जी। बहुत अच्छा। अच्छा आज हमनी तोहर से एगो बहुत पेचीदा कठिन सवाल तो नहीं पूछब जा लेकिन जुड़ल जो हमनी के शरीर के साथ है। बोलल जला कि जीवन के गाड़ी चलाए खातिर 5 गो लगाम है 5 senses 5 गो इंद्रिय जी। योग में कितना इंद्रिय बा और कैसे सकब जा इंद्रिय के वश में करे जमें सकब जा एगो स्वस्थ जीवन के निर्माण करे जी। बिल्कुल इंद्रिया बिल्कुल आप सही कहनी है 5 इंद्रिया बा 5 ज्ञानेंद्रिय बा 5 कर्मेंद्रिया बा। अगर हमनी के देखब जा कि हमनी के अभी जौन चीज़ करत नहीं जा जौन चीज़ देखत नहीं जा सुनत नहीं जा सुंगत नहीं जा महसूस करत नहीं जा या जेकर चीज़ के टेस्ट करत नहीं जा अभी हमनी के पूरा एनर्जी डिसिपेट होता सेंसेस के द्वारा। अभी सेंस ही हमनी के चलावता ना कि हमनी के सेंस में कंट्रोल करता नहीं जा यानी कि हमके मन करल बा एगो अच्छा चीज मीठा चीज खाई के ता ई जीवा जो है एगो इंद्रिय है हमके लेके जाला जहाँ पर ही दुकान बा जहाँ पर मिठाई मिलेला जी। बिल्कुल और यही जीव जो बा हमारा डायबिटीज सकी लगाई जी। बिल्कुल जैसा आप कहनी है कि हमारी इच्छा करल है तो आपके पास में याद बाटे की स्वाद कैसन बा तो आप चाहते नहीं कि हम फिर से वो अवस्था में जाए तो मन का करेला मन इंद्रिय के साथ में मिल करके वही अवस्था में जावे खातिर चाहे नेटफ्लिक्स देखी चाहे मिठाई खाए के कोशिश करी चाहे कुछ ना यानी कि तोहरा बार बार इंद्रिय कंफर्ट जोन में ले जाला जी। बिल्कुल वापस से उ जगह ले जाए खोजा जोन पहले गर रहला खैले रहला जी। बिल्कुल अच्छा बुझाल जी। बिल्कुल और जोन करेला कस्सा रहल ई बार खाए के मन नहीं करेला जी। बिल्कुल यानी कि हमने की इंद्रिय हमने की हर प्रकार से नचावेला तो अभ्यास के जरिए योग के जरिए कैसे से कब्जा इंद्रिय के बस जी। बिल्कुल सही पूछनी है आप। सो अभी हमने के कह सके नहीं कि ये है इंद्रिय के कारण जो मन के साथ में कार्य करता हमनी के बाहर मुखी हो गल बनी जा हमनी के अंतर्मुखी होए के बाद सब जब आप योग करब जब आप प्राण के माध्यम से प्राणायाम करब तब आप देखब कि मन धीरे धीरे शांत होकर था इंद्री के जो ग्रिप बा आपके शरीर पे कह सकी अभी शरीर ही हमनी के मन बन गई बा ओकर याद बा कि ये चीज़ देखे में अच्छा लगेगा ये चीज़ सुंगने में अच्छा लगेगा हमार कोई बड़ाई करी तो हमके बढ़िया लगी तो इंद्रिया अभी नचावता जैसा कि आप कहनी है लेकिन योग के माध्यम से आप देखब कि धीरे धीरे आप उ अवस्था में पहुंच जाए जहाँ पे आप समझ सकब कि इंद्रिया हमके नचावत रहला पास्ट में आप धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाए और आप अपन इंद्रिय के कंट्रोल कर पाए अपन मन के कंट्रोल कर पाए। अच्छा तो इलाज हमने कितना बहुत जानकारी दिला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और भाई बहन लोग चला अब की जुनबा आज के कार्यक्रम में देखब जा सूर्य नमस्कार कैसे हुईला और सूर्य नमस्कार यदि गूगल में टाइप करबा तो ओकर फायदा तोरा लोग जाला कहे कि सूर्य नमस्कार करला से हमनी के जोन बॉडी है वो जिसे बोला जा निरोग हो जाला जिसे बोला जा कि हर एगो व्यक्ति जब जन्म लेवेला तो के मरे के परेला यानी कि एक्सपायरी डेट लिखाल बा लेकिन निमन से जिया निमन से मरा और जो निमन से जीला जो निमन से मरेला उसी के अंदर कहलावेला। तो चला आज के प्रोग्राम देखी जा मास्टर रूमी के साथ कौन प्रकार से चला सूर्य नमस्कार करेगी।
नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की व्यायाम हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा है, हर दिन प्रतिदिन हम कर सकते हैं। जो लोग भी प्रतिदिन सूर्य नमस्कार की अभ्यास करें, शरीर के लिए बहुत अच्छे, बहुत फ़ायदेमंद हैं। लेकिन जिनको भी किसी तरह की इंजरी, सर्जरी या प्रेग्नेंट वुमेन इस पॉस्चर्स को नहीं करें। सूर्य नमस्कार एक राउंड में हम 12 पॉस्चर्स करते हैं, 12 आसनस करते हैं, 12 पॉस्चर्स, 4 आसनस रिपीट होता है। सूर्य नमस्कार आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग जो लोग भी सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते हैं, जब सूर्य उदय होती है उस टाइम सन सैल्यूटेशन बहुत ही अच्छे हैं अपने शरीर के लिए। लेकिन किसी तरह की इंजरी, वीकनेस, बॉडी वीकनेस में ना करें और सडन ना करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर अभ्यास करें, इस क्रिया के अभ्यास करें, आसनास करें। सूर्य नमस्कार कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन ना करे, किसी तरह की सर्जरी, शरीर में किसी तरह की भी इंजरी हो कोई भी पार्ट में ना करे। जो भी पीठ के दर्द है, सीवियर बैक पेन है, वो लोग ना करे, क्योंकि सूर्य नमस्कार में कोई कोई बैक बेंडिंग पोस्चर्स होते हैं जो पीठ के दर्द के लिए अच्छा नहीं है। जिनको पीठ की कोई समस्या नहीं है वो लोग सूर्य नमस्कार की अभ्यास कर सकते हैं। जिनको पीठ का समस्या है वो पहले अपनी पीठ की समस्या के लिए जो आसनस ज़रूरी है, जो लाभदायक है, पहले वो करें, बाद में सूर्य नमस्कार की अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार से बहुत ही फ़ायदा होता है, शरीर एक पूरा बॉडी का वार्म अप हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पूरा मसल टोनिंग हो जाती है। और हम एक ही राउंड में 12 पोस्चर्स करते हैं, बहुत सारा आसनास एक ही साथ में सीख जाते हैं और पूरा शरीर का मूवमेंट हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक है। आज की अभ्यास शुरू करने से पहले हम योगिक प्रार्थना से शुरू करेंगे। आप क्रॉस लेग में बैठ जाइए, यानी सुखासन। रीढ़ की हड्डियाँ सीधी रखें, दोनों हथेलियाँ घुटनों के ऊपर, चीन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में आपकी आंखें बंद। 3 बार हम ओम की उच्चारण करेंगे, यानी उद्गीत प्राणायाम। श्वास लीजिए, इनहेल, और एक बार श्वास लीजिए, इनहेल, और एक बार श्वास लीजिए, इनहेल, दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें, नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने। योगिक प्रार्थना सुने, ओम असतमा सदे गमया तमसमा ज्योतिंगमाया मृतरे मा अमृतांगमाया शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। धीरे धीरे हाथ को गर्म करके आंखों के ऊपर लगाएं, अपने चेहरे को मसाज करें धीरे धीरे, आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, हथेलियाँ
और पीठ को मसाज करते हुए हाथ को सामने लेके आए, आंखों के सामने, आंखें खोल के हाथ को देखे, हाथ को नीचे रखे। हम धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। आप अपनी मैट के सामने आ जाए, दोनों पैर को आपस में जोड़ लें। पहले हम नमस्कार मुद्रा करेंगे, श्वास लीजिए छोड़िए, इनहेल एक्सहेल नमस्कार मुद्रा। फिर श्वास लेते हुए हथेलियों को पीछे लेके जाए, बैक बेंडिंग करेंगे, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए पीठ को सीधा रखे और सामने की तरफ जितना झुक सकते हैं झुके, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फिर श्वास लेते हुए अपने राइट लेग दायां पैर को पीछे लेके जाए, घुटने नीचे, आपकी टोज आउटसाइड, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, सामने देखे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग बायां पैर पीछे, बॉडी को स्ट्रेट रखे, शरीर एक ही लाइन में होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने नीचे, छाती नीचे, थुड्डी नीचे, अष्टांग नमस्कार, आपकी हथेलियों को बॉडी के पास जोड़ के रखे। श्वास लेते हुए पेट नीचे, आपकी सिर और छाती ऊपर की तरफ, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए घुटने उठाए, दोनों एरिया नीचे रखे। फिर से श्वास लेते हुए अपनी दायां पैर दोनों हाथ के बीच में लेके आए और सामने देखे, बाएं पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रहनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए फिर से बाया पैर को सामने हाथ के बीच में लेके आए। श्वास लेते हुए आपकी हाथ और सिर एक ही साथ में पीछे की तरफ, बैक बेंडिंग। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में हम एक साइड किया है, हम अभी बाएं तरफ करेंगे। इनहेल एक्सहेल नमस्कार मुद्रा, श्वास लीजिए छोड़िए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुके, श्वास छोड़ते हुए पीठ को सीधा रख के सामने की तरफ झुके। अभी श्वास लेते हुए अपनी बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाए, घुटने नीचे रखे, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को पीछे लेके जाए, हाथ और पैर की उंगलियों में बैलेंस करना है इस पोस्चर में, शरीर को सीधा रखे स्ट्रेट लाइन में। श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, थुड्डी नीचे। फिर श्वास लेते हुए सिर और छाती को ऊपर उठाए, ऊपर की तरफ देखे। श्वास छोड़ते हुए घुटने उठाए, एरिया नीचे रखे। फिर श्वास लेते हुए आपकी दायां पैर दोनों हाथ के बीच में और दायां पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। जिनको भी समस्या है पैर हाथ के बीच में नहीं आए, वो लोग चिंता ना करें, जितना आप कर पाएंगे उतना ही करिए, प्रैक्टिस से आ जाता है। फिर सांस श्वास छोड़ते हुए आप दायां पैर को हाथ के बीच में लेके आए। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को पीछे लेके जाए, बैक बेंडिंग। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार। इस पोस्चर को हम राइट एंड लेफ्ट साइड करके 1 राउंड कंप्लीट किया। आप दिन में जितना राउंड्स कर सकते हैं कर पाते हैं। शुरू में आपको 1, 2, 3 राउंड तक करना ठीक रहेगा, नहीं तो आप बहुत थकेंगे। लेकिन जितना अभ्यास के साथ आप 10-12 राउंड कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना कर पा रहे हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं।
प्रतिदिन अभ्यास करने से सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हम 100 राउंड तक भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में 2-3 राउंड से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। अब इस पोस्चर को हम होल्ड करेंगे। नमस्कार मुद्रा में आ जाए, इनहेल एक्सहेल ब्रीदिंग करते रहे और अभ्यास को जारी रखें। पोस्चर को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लेते हुए हाथ पीछे की तरफ, बैक बेंडिंग, ब्रीदिंग करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके, जितना झुक सकते हैं, ब्रीदिंग करते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाए, घुटने नीचे, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, सामने देखें, ब्रीदिंग करते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाए, शरीर को स्ट्रेट लाइन में रखें, सामने की तरफ देखें या नीचे देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, आपके थुड्डी नीचे, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ रहेगा, पॉइंटिंग इनवर्ड, ब्रीदिंग करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, सिर और छाती को ऊपर उठाए, ऊपर देखे, ब्रीदिंग करते रहे, कोनिया थोड़ा बैंड रखे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को ऊपर उठाए, आपकी एरियो को नीचे रखे, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, ब्रीदिंग करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास लेते हुए दाएं पैर को हाथ के बीच में लेके आए, बाएं पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रहे, सामने देखे, ब्रीदिंग करते रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को हाथ के बीच में लेके आए, ब्रीदिंग करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड हो जाइए, पीछे की तरफ झुके, बैक बेंडिंग, ब्रीदिंग करते रहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को आपस में जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा, ब्रीदिंग करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलीज योर पोस्चर, रिलैक्स, हाथ को रिलीज करें, पैर को गैप करते हुए दोनों हथेलियाँ ढीला छोड़ दे, आंखें बंद और रिलैक्स करें, ब्रीदिंग करते रहे। धीरे धीरे बैठ जाइए,
सुखासन में, क्रॉस लेग या सुखासन में बैठ जाइए। अगर आप स्वास्तिक आसन अडॉप्ट कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, तो स्वास्तिक आसन में बैठ सकते हैं। हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, 3 राउंड। पीठ को सीधा करके बैठे, दोनों हथेलियां चीन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। श्वास छोड़ते जाना है, कपालभाति क्रिया में आपको श्वास लेने में ध्यान नहीं देना है, हर एक बार एक्सहेल करते जाना है। जब जब आप श्वास छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, आपके पेट यानी एब्डोमेन अंदर की तरह जाते हैं, इसलिए श्वास छोड़ने में आपको ध्यान देना है। स्टार्ट करते हैं, शुरू करें, एक्सहेल। कंटिन्यू कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. फिर से स्टार्ट करें। Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. और एक बार करेंगे, last round. Start करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. इस क्रिया का अभ्यास तभी करें जब आप खाली पेट में हैं। खाना खाने के बाद इस अभ्यास का कोशिश मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर आप 3 घंटा का गैप है तो कर सकते हैं, लेकिन तुरंत या और 3 घंटे के अंदर नहीं करें। 3 या 2 घंटे में अगर आपको हैवी लगता है तभी भी ना करें। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस क्रिया का अभ्यास ना करें। जिनको भी एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है वो भी इस अभ्यास का कोशिश ना करें। बाकी हर कोई इस अभ्यास कर सकते हैं, इस क्रिया को कर सकते हैं। ये क्रिया बहुत ही अच्छा है जिन लोगों को डायबिटिक है, डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा होती है। और जिनको भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल फैट है, किसी तरह की एब्डोमिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कपालभाति यानी कपाल जो हमारे फोरहेड होता है उसको कपाल बोलते हैं, भाति यानी क्लींजिंग ऑफ फोरहेड। हम जब कपालभाति करते हैं तभी हमारा फोरहेड यानी माइंड का क्लींजिंग भी होता है, माइंड रिलैक्स होते हैं। जिनको स्ट्रेस एंग्जाइटी या डिप्रेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है। अभी धीरे धीरे आप अपनी मैट के ऊपर लेट जाए, पीठ के बल लेट जाए यानी शवासन में। दोनों पैर को अलग करके, हथेलियों को अलग करके, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, शरीर ढीला छोड़ दे, आंखें बंद और आराम करते रहे। जनयधीने बंधन करे कहीं विधि की जैसे बारे पार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव महिमा अमित
धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, पैर को आपस में जोड़ लें, हथेलियों को शरीर के पास लेके आएं, अपनी दाएं तरफ मुड़ के धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए। मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए, क्रॉस लेग यानी सुखासन नहीं तो स्वास्तिक आसन में बैठ जाए। रीढ़ की हड्डियाँ सीधी रहे, दोनों हथेलियाँ घुटनों के ऊपर, चीन मुद्रा में आंखें बंद, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे यानी उद्गीत प्राणायाम। श्वास लीजिए, इनहेल, फिर से श्वास लीजिए, इनहेल, श्वास लीजिए, इन्हेल, दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में आपके चेस्ट के सामने। शांति प्रार्थना से आज की अभ्यास समाप्त करते हैं। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हसरे भय शांति देव सदा फल शांति माए शांति शांति सुख को रब करें। हथेलियों को गर्म करके धीरे धीरे अपने आंखों के ऊपर लगाएं, फिर चेहरे के ऊपर लगाएं, अपनी गर्दन छाती पूरा शरीर में पैर दोनों पैर दोनों हथेलियां पीठ को मसाज करते हुए हाथ को सामने लेके आए, आंखें खोल के हाथ को देखें। नमस्कार, धन्यवाद। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त, अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। धन्यवाद भाई बहन लोग। जीवन में हर प्रकार के स्वाद रहेला, खट्टा मीठा कड़वा, ये सब जीवन के गो अंश है। और हमने के जीवा जन है, हमने के जीव जन बा, वो सब निमन चीज खोजेला, मारू चीज नहीं खोजेला। जोन चीज दुख देवेला ओके हट के सुख के तलाश में निकल जाला। लेकिन याद रखा, सुख दुख जीवन के गाड़ी के चलावेला, और जीवन में जितना दुख रही उतना सुख के सकबा आभास करे। आज के कार्यक्रम में हमली देख लीजा सूर्य नमस्कार जुनबा, शायद हमनी के शरीर के थोड़ा बहुत कष्ट देवेला, लेकिन शुरू शुरू में होवेला। लेकिन आदत से, जिसे बोलला जा प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी कि कल ले कोशिश करबा तो तुहर शरीर अदाप्टिव हो जाला, और एक बार तुहर शरीर अदाप्टिव हो गल तो तुहर जीवन निरोग हो जाला। निरोग जीवन खातिर बहुत बहुत बधाई। प्रोग्राम देखते रहिए अभ्यास योग। पूरी टीम के तरफ से आप सब लोग के शुभ दिन। हमनी के साथ निभैला, धन्यवाद, नमस्कार।